आप लोग 116 दिन से यहाँ पे आंदोलन में हैं, आगे का क्या रणनीति है आप लोग का? देखिए, ये तो बहुत शर्म का बात है कि आखिर ये झारखंड की सरकार जब चुनाव लड़ी थी तो क्या बोल के लड़ी थी कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे। अरे हम जो 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में 116 दिन से बैठे हुए हैं। सरकार के तमाम मंत्री, तमाम विधायक, तमाम सत्ता के लोग, सभी लोग सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। आखिर ये कब आश्वासन पूरा होगा, पूछता है पूरा झारखंड, पूछ रहा है यहाँ का स्थानीय, पूछ रहा है यहाँ के आदिवासी युवा कि आखिर 116 दिन क्यों? 116 दिन छोटा मोटा नहीं होता। आज 4 महीना हम लोग, 4 दिन के बाद पूरे 4 महीना हो जाएगा 120 दिन में। 7 तारीख को आलमगीर आलम के आवास के बाहर में नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा, और उसके बाद भी अगर ये सरकार हम लोगों की मांग पूरा नहीं करती है तो प्रत्येक जितने भी जिला अध्यक्ष हैं सभी के आवास के बाहर नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा। और 15 नवंबर को जहाँ पे स्थापना दिवस का खुशहाली लोग मनाएंगे, हम लोग वहाँ दुख में, हम लोग वहाँ गम में, हम लोग वहाँ अफसोस में, हम लोग वहाँ शर्मिंदगी में हम लोग जो है नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे, जिसमें 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के साथ ले। क्या आप लोग सभी तैयार है? तो सोच लीजिए कि अगर ये सरकार हमारी प्रति संवेदना रखती है, अगर हमारे प्रति दया दृष्टि रखती है, तो 15 नवंबर से पहले हम लोगों को घोषणा करना पड़ेगा। और न तो आप देखते रहिए, सारे कपड़ा फट जाएंगे और नंग धड़ंग प्रदर्शन के रूप में हम लोग सामने आएंगे। हमारा अगर इज्जत गया तो सरकार का भी इज्जत को रहने नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, एक है। आवाज दो हम एक है, एक है। हमारी 5 सूत्री मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करना होगा, करना होगा, करना होगा। झूठा आश्वासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झूठा आश्वासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।